फाइनली गाइज तीसरा व्लॉग है हमारा और आप देख सकते हो यहाँ पे हम कंटिन्यू आपको व्लॉग दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको हर अपडेट देने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो कि बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है होना और इसके कारण हम डेली व्लॉग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस टाइम हम आपको पहाड़ों का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा गांव है वो थोड़ा पहाड़ों से नीचे है, इसके कारण यहाँ पे बर्फ़ नहीं पहुँच पाई थी। लेकिन अभी का जो दृश्य है यहाँ पे पूरे तरीके से सफ़ेद यहाँ पे बर्फ़ हो चुकी है और पूरे पहाड़ जो है वो पूरे सफ़ेद हो चुके हैं। मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और इस व्लॉग को कंटिन्यू आप रखना ताकि आपको यहाँ पे पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा कि पहाड़ों में कैसे बर्फ़ होती है और क्या करते हैं यहाँ पे लोग, और वो पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा तीसरा व्लॉग चल रहा है और आज 7 तारीख है 2022 है। हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से, और न्यू ईयर पे ये पहली बार जो स्नोफॉल हुई यहाँ पे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ और हम आपको सामने पहाड़ों का व्यू दिखाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे इस वक्त का व्यू है और पहाड़ों पे व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सामने जो आप देख सकते हो ये बड़तुंद का एरिया पड़ता है और सामने पहाड़ इस वक्त का जो व्यू है वो ये है, और सामने पहाड़ देख सकते हो पूरे ढक चुके हैं सफ़ेद चादर से और कैमरा जो है फोकस कर रहा है इस वक्त, लेकिन साफ नहीं क्लियर आ रहा है। लेकिन आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, हमारे व्लॉग को ज़रूर शेयर करें जिन भाइयों तक ये बर्फ़ नहीं पहुँचती है, और आगे ज़रूर शेयर करें इस व्लॉग को ताकि यहाँ पे ये देख सकते हो आप ज़बरदस्त एक बर्फ़ का तोहफा गिरा है यहाँ पे, और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें आप और इस व्लॉग को पूरे कंटिन्यू देखते रहें। और ये देख सकते हो तोहफा ये नीचे जाएगा भी, और क्या ही बोलें दोस्तों, ठंड का जो सीज़न है इतना शानदार व्यू है यहाँ का, और पूरा जो इलाका है वो पूरा सफ़ेद चादर से ढक चुका है, और आप देख सकते हो मकानों के ऊपर अभी बर्फ़ पूरे तरीके से जमी है और ऊपर सूर्य देव भी निकल चुके हैं थोड़े थोड़े, लेकिन पूरे तरीके से बादल यहाँ पे ढक चुके हैं, और सामने का व्यू यार क्या ही बोलूँ दोस्तों, इतना मज़ा आता है देखने में कि वो बात ही मत पूछो यार आप, और इतना व्यू अच्छा है। ज़रूर इस व्लॉग को शेयर करना और हमारे मित्रों और दोस्तों के लिए पहुँचाना ताकि वो भी इस बर्फ़ का आनंद उठा सकें, और यहाँ पर जो व्यू है बहुत ही शानदार तरीके का व्यू है और मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी मैं फ्रंट कैमरे के सामने आ चुका हूं और आप इस व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहें ताकि हम क्या क्या पहाड़ों पे करते हैं। और अभी मेरे ग्लोव्स लगे हैं और जूते मेरे देख सकते हो जो कि बर्फ़ में लगाने के काबिल होते हैं, आइंदा अगर दूसरे जूता होगा तो वो नहीं आप लगा सकते हो क्योंकि इधर बर्फ़ बहुत तेज़ होती है, और पूरे जो पेड़ हैं वो पूरे गिर चुके हैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आप, और जो हमारी बिजली की तारें हैं वो भी टूट चुकी हैं, जो थोड़ी मोड़ी चार्ज था मोबाइल तो उसी का व्यू मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक करिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि जम्मू कश्मीर। इधर आ जल्दी कर, आस्ता आस्ता जल्दी कर इधर, हाँ इधर आ इधर इधर आ जा आ जा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आप देख सकते हो बर्फ का नज़ारा यहाँ पे, और पूरे तरीके से हम वहाँ पे धुंधू गोले बना रहे हैं, ये छोड़ दे हाथ से क्योंकि हाथ ठंडे हो जाएंगे। ये देखो ये देख सकते हो, इधर आओ पूरे तरीके से व्यू यहाँ पे देख सकते हो आप, और इस वक्त बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं छोटे मोटे नन्हे मुन्ने, ये हाथ ठंडे हो जाएंगे, ये इसको फेंक दो और इधर आओ फोटो बनाएंगे आपको इसके ऊपर चढ़ के, और नज़ारा पूरा यहाँ का देख सकते हो आप, लाइव दर्शन हो रहे हैं बर्फ़बारी के, और पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें आप। इधर आ इधर इसको नहीं पकड़, ये देख सकते हो इतना ठंड में बहुत मुश्किल होता है ये काम करना, और ये बंदा शख्स कर लेता है, जूम करने की कोशिश दिखाऊँगा मैं आपको, ये देख सकते हो गागर की तरह ये बनाया, और पूरे यहाँ पर कोहरा छा गया, इस टाइम का व्यू है ये, और आप कंटिन्यू बने रहें।